गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आरओ का पार्ट 16 लेसन 16 नमक का सारांश समझेंगे, जिसकी लेखिका हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर। सबसे पहले लेखिका के जीवन परिचय पर प्रकाश डाल लेते हैं। रज़िया सज्जाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 को राजस्थान के अजमेर में हुआ। इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। शादी के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आईं और वहां करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगीं। सन 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इन्होंने सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश पुरस्कार, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड आदि प्राप्त किया। इनकी मृत्यु 18 दिसंबर सन 1969 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब है। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी, उपन्यास व बाल साहित्य भी लिखा है। इन्होंने मौलिक लेखन तो किया ही है, साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य का भी उर्दू में अनुवाद किया है। सामाजिक यथार्थ व मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। भाषा शैली जो इनकी है, उर्दू लेखिका रज़िया जी की भाषा सहज है, सरल है और मुहावरेदार है। इनकी कुछ कहानियाँ हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं। तो अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। नमक, जो प्रस्तुत कहानी है नमक, इसमें भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के जो विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलने का प्रयास किया गया है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो पाठ का सारांश इस प्रकार है। सफिया एक दिन अपने पड़ोस में एक कीर्तन में गई, तो वहां पर उसने एक सिख बीबी को देखा, यानी एक पंजाबन औरत थी, उसको देखा। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई। जब सफिया ने सिख बीबी की तरफ देखा तो वह देखकर हैरान हो गई। क्यों हैरान हुई? क्योंकि उस सिख बीबी की शक्ल उसकी माँ से बहुत मिलती थी। किसकी माँ की शक्ल? सफिया की माँ की शक्ल उस सिख बीबी से बहुत मिलती थी। सफिया बार बार सिख बीबी की ओर देखे जा रही थी। सिख बीबी ने भी देखा कि सफिया उन्हें लगातार देख रही है, क्योंकि सफिया को उनमें अपनी माँ नजर आ रही थी। जब सिख बीबी ने घर की बहू से पूछा कि ये लड़की कौन है जो इतनी मोहब्बत से मेरी ओर देख रही है, तो बहू ने बताया कि ये मुसलमान है और इसका नाम सफिया है और कल ये लाहौर जा रही है। जैसे ही सिख बीबी ने बहू के मुंह से लाहौर का नाम सुना तो वह कुछ प्रशंसी हो गई और उठकर सफिया के पास आ बैठी और उससे बातें करने लगी। सिख बीबी ने सफिया को बताया कि पहले वो लाहौर रहती थी, उनका वतन लाहौर है और वो बहुत प्यारा शहर है। वो लाहौर की पुरानी यादों में खो गई और सफिया को बताने लगी। जब सफिया वहाँ से वापस अपने घर आने लगी तो उसने सिख बीबी से कहा, तो मैं आपके लिए लाहौर से क्या लेकर आऊँ? तो सिख बीबी ने कहा कि अगर कुछ ला सको
तो लाहौर से मेरे लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। सफिया ने सिख बीबी से वादा किया कि वह उनके लिए लाहौर से लाहौरी नमक अवश्य लेकर आएगी। और सफिया अगले दिन पाकिस्तान अपने भाई के पास चली गई। सफिया वहाँ पाकिस्तान में 15 दिन के करीब रही, जहाँ वह अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से सबसे मिली। 15वें दिन के बाद अब उसे भारत लौटना था और उसे याद भी आया कि सिख बीबी के लिए उसे लाहौरी नमक ले जाना है। तो उसने एक पुड़िया में 1.25 शेर के करीब लाहौरी नमक बांध लिया। अब उसने अपने भाई को बताया कि वो लाहौरी नमक लेकर भारत जाएगी। उसका भाई पुलिस में था, अफसर था। उसने सफिया को बताया कि पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैरकानूनी है और हंसते हुए कहा कि भारत के हिस्से में तो अधिक नमक आया था, फिर भी नमक की क्या ज़रूरत पड़ गई भारत के लोगों को। इस बात पर सफिया को झुंझलाहट आ गई और वह जिद पर अड़ गई कि उसे यह नमक लेकर ही जाना है, क्योंकि उसने सिख बीबी से वादा किया है। उसके भाई ने उसको समझाया कि कस्टम वालों को अगर पता लग गया कि तुम्हारे पास नमक है तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारे सामान की चिंदी चिंदी कर देंगे, यानी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे तुम्हारे सारे सामान को, और तुम्हारी और मेरी बेइज्जती होगी सो अलग, और तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। सफिया रोने लगी, भाई चुपचाप चला गया। अगले दिन 2 बजे उसे रवाना होना था। उसने सारी पैकिंग कर ली, सारा सामान सूटकेस में बिस्तरबंद में आ गया। अब कुछ बचा था तो एक कीनू की टोकरी, कीनू संतरे जैसा जो फल होता है, एक कीनू की टोकरी बची और नमक की पुड़िया बची। अब सफिया का गुस्सा शांत हुआ तो भावना के ने जाना शुरू कर दिया और बुद्धि ने आना शुरू कर दिया। अर्थात अब वो सोचने लगी कि भाई सही कह रहा है कि अगर मैं नमक लेके गई और पकड़ी गई तो वाकई में बेइज्जती होगी। फिर भी वो उस मोहब्बत की सौगात को लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि उसने सिख बीबी से वादा किया था। तो उसने वो नमक की पोटली जो थी कीनुओं के नीचे छुपा दी और सो गई। अगले दिन स्टेशन पर पहुंची, फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में जाकर बैठी और सोचने लगी कि यहाँ इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर किसी को नहीं पता कि इस कीनू की टोकरी के नीचे नमक छुपा हुआ है। तभी उसका सामान कस्टम चेकिंग के लिए जाने लगा, तो उसने वह पुड़िया चुपचाप निकाली और अपने हैंडबैग में रख ली, अपने हाथ में जो उसके बैग था उसमें रख ली और कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ गई। कस्टम ऑफिसर लंबा पतला खिचड़ी से बालों वाला था, यानी घुंघराले बालों वाला था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा, सफिया ने उससे पूछा कि तुम्हारा वतन क्या है, तो उस कस्टम अधिकारी ने बताया कि मेरा वतन दिल्ली है। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रखा और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी और उसे सारी बात बता दी कि वो नमक क्यों ले जाना चाहती है। सारी बातें सुनकर कस्टम अधिकारी ने पुड़िया उठाई और सफिया के बैग में वापस रख दी और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। कहने का तात्पर्य कि मोहब्बत के आगे कानून भी बेबस हो जाता है, और तुम यह पुड़िया अपनी माँ समान सिख बीबी के लिए ले जाना चाहती हो और मोहब्बत की सौगात ले जाना चाहती हो तो कानून तुम्हें नहीं रोकेगा। और उसने कहा कि जब तुम दिल्ली पहुँचो तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना और सिख बीबी से कहना लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। जब तक हमारे मन में ये भावना रहेगी तब तक एक उम्मीद रहेगी कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अर्थात जब तक पाकिस्तान के लोग भारत को अपना मानते रहेंगे और भारत के लोग पाकिस्तान को अपना मानते रहेंगे तो शायद एक उम्मीद रहेगी कि शायद एक दिन भारत और पाकिस्तान की ज़मीन पर खींची हुई सरहदें एक दूसरे के लिए मिटा दी जाए। सफिया ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठी तो उसने देखा आसपास सभी लोग ऐसे ही बैठे हैं जैसे भारत के लोग होते हैं, इसी तरीके के लोग बैठे हैं। जो पुलिस वाले हैं वो पाकिस्तानी पुलिस वाले, उनकी वर्दी भी खाकी ही है,
वो भी वैसे ही बोल रहे हैं जैसे भारत के पुलिस वाले बोलते हैं, वैसे ही गालियां दे रहे हैं जैसे भारत के पुलिस वाले देते हैं। तो ये सारी बातें उसके जहन में चल रही थी। पता ही नहीं चला कि कब वह लाहौर ख़त्म हो गया और वह अमृतसर में चली आई। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह वहाँ भी कस्टम ऑफिसर के पास पहुँची। कौन? सफ़िया, जो अमृतसर का कस्टम ऑफिसर है। और उसने बताया कि मैं पाकिस्तान से नमक लेकर आई हूँ, और फिर उसे भी सारी बात बता दी किस किस तरीके से वो नमक वहाँ से लेकर आई और कस्टम ऑफिसर ने उसे नमक लाने दिया। उस अफसर ने, कस्टम अधिकारी ने सफिया को अपने साथ चलने को कहा। वो उसे एक कमरे में ले गया और उसे बैठने के लिए कहा और एक पुलिस वाले को आवाज़ लगाई। सफिया डर गई कि अब ये मुझे अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन पुलिस वाले से उसने कहा कि दो चाय लेकर आओ। और मेज की दराज से एक किताब निकाली जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिका के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया और बताया कि विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था तो उसकी सालगिरह थी, तब उसके दोस्त शमशुल इस्लाम ने उसको यह किताब दी थी। उस कस्टम अधिकारी का नाम क्या था? सुनील दास गुप्ता, यानी वो हिंदू था और वो यहाँ ढाका का रहने वाला था जो बांग्लादेश है, ठीक है। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़ने लगा और नौकरी करने लगा। उसने बताया कि वह अपने वतन कभी कभी जाता रहता है, और उसने बताया कि हमारे वतन में यानी ढाका में जो ढाब होते हैं, जैसे यहाँ गुड़ होता है ऐसे वहाँ ढाब होता है, ढाब की बहुत प्रशंसा की और बताया कि वो बहुत मीठा होता है। और फिर उसने सफिया के बैग में वापस वो पुड़िया रख दी और उसका बैग लेकर खुद आगे आगे चलने लगा। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वे पुल की सबसे निचली सीढ़ी पर सिर झुकाए खड़ा था। कौन? कस्टम अधिकारी। और लेखिका अपने मन में सोच रही थी कि किसका वतन कौन सा है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या कस्टम के उस तरफ। तो ये थी कहानी नमक। इस प्रकार भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ने भी अपना वतन ढाका बताया, और जो पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी था उसने अपना वतन दिल्ली बताया, सिख बीबी ने लाहौर बताया। तो सफिया अपने मन में यही सोच रही थी कि भौगोलिक रूप से दो भागों में बट गए देशों के लोगों की भावनात्मक एकता आज भी बनी हुई है, और अगर यह एकता बनी रही तो शायद एक दिन ये सरहदों पर, ये सरहदें समाप्त कर दी जाएंगी और भारत और पाकिस्तान फिर से एक हो जाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नमक। अगला चैप्टर अगली वीडियो में।